राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ुता बेले मुकाबला नुआ नुआ रणनीति करुछंति सरकार। आज राज्य आरंभ होइछि प्लाज्मा थेरापी। एससीबी मेडिकल कॉलेज कैंपस रे प्लाज्मा बैंक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम उद्घाटन करिछंति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एससीबी मेडिकल समेत भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल एवं कटक अश्विनी हॉस्पिटल रे प्लाज्मा थेरापी व्यवस्था रहिबो। एससीबी मेडिकल कॉलेज रे प्लाज्मा थेरापी आरंभ। यहाँ कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज कैंपस रे प्लाज्मा बैंक उद्घाटित होइछि। प्लाज्मा बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे उद्घाटन करिछंति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 5T सचिव मध्य ए समय रे उपस्थित थिले। कोरोना रोगर चिकित्सा पई प्लाज्मा थेरापी आरंभ करिबकु गतकाली मुख्यमंत्री घोषणा करिथिले। कटक एससीबी मेडिकल समेत भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल एवं कटक अश्विनी हॉस्पिटल रे प्लाज्मा थेरापी प्रयोग पई निष्पत्ति होइछि। जेहेतु प्लाज्मा थेरापी माध्यम रे दिल्ली समेत केतक स्थान रे कोरोना रोगर सफल चिकित्सा होतबा संभव होइछि, सेति पई एही व्यवस्था आज ठारु ओडिसा रे मध्य लागू करिछन्ति राज्य सरकार। It is indeed a matter of abundant happiness to be a part of this inaugural ceremony to launch convalescent plasma therapy in the state of Odisha. This therapy is expected to be an effective tool in our fight against the global pandemic COVID. Our doctors in Government Medical College, SCB Medical College, Cuttack, have made the entire state of Odisha proud by introducing this advanced medical procedure, which is a frontier in the field of medicine. Mu ebong mo sarkar sobule doctor manku purna sahajog kori aschi covid yuddha manku je bhali prosit kori kori aschanti ya nischit bhavare ei dhara ku abri majbut karibo mu ei avasar re एसबी मेडिकल कॉलेज भली प्रतिष्ठान अनुष्ठान जो भाव में प्लाज्मा थेरापी को आरंभ करने जाऊँगी मु समस्त डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और अन्य समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। कोरोना रोगी चिकित्सा पाई जो प्लाज्मा थेरापी आरंभ होई छी कोरोना रे आक्रांत हो भल हो रोगी रक्त रु प्लाज्मा संग्रह करोनार सुस्थ होबार 28 दिन मध्य से ही रोगी प्लाज्मा संग्रह हो गुरुतर आक्रांत कोरोना रोगी प्रयोग कले सेमानंक शरीर रे कोरोना भूताणु सहित लड़ीबा पई एंटीबॉडी सृष्टि हेबो। कोविड पेशेंट मानंकु जो माने सीवियर किमा मॉडरेट सीवियर थिबे तांको ट्रांसफ्यूजन कले से एंटीबॉडी सेमानंक देह रे जाकी गोटे एक्टिव इम्यूनिटी के बूस्ट करथाय जहा द्वारा कि हमर वायरस एंटीजन गुडा का वायरल एंटीजन गुडा किल हेथाय। तो विदिन 7 डेज पेशेंट रो वायरेमिया माने ब्लड रे जो वायरस आसे से क्लियर हेजबो जहाँ हमको लिटरेचर भी आम जहाँ देखुचु विदिन 3 डेज आ सिम्टोमेटिक भी हम तेनाली पेसेंटर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हम ये जो कोविड केस रे नॉर्मल जार मॉडरेट टू सीवियर केस एंटीबॉडी देखा जाए जो मैंने एसिम्टोमेटिक किंवा माइल्ड थांदी सेमानको केस रे एते एंटीबॉडी तैयारी हुए ना तेणु यहाँ जब आम दौ ता पूर्व आमको देखा पड़े तार आरटीपीसीआर नेगेटिव अच्छे आरटीपीसीआर नेगेटिव हेला परे 28 दिन पर डका जाए 28 दिन पर डका गला बॉडी रे एंटीबॉडी टाइटर आम मेजर करूँ एंटीबॉडी जदि ठीक अच्छी ताहले तार 200 ml प्लाज्मा आम जी क्रिटिकल थाए जी आईसीयू वेंटिलेटर थाने देकर आम ट्राए करूँ कि से बॉडीटा केमी रिकवर से पर्सनटा केमी रिकवर हो जाए। सम हॉस्पिटल रे प्लाज्मा थेरापी लगी अनुमति मिली वर्तमान सम पाखे 3टी अत्याधुनिक आफ्रेसिस मेसीन रही जहाँकि प्लाज्मा थेरापी कर बहुत सहायक हो जो प्लाज्मा रोगी माने सांघातिक हो जाती सेमानको जो कोरोना रोगी माने सांघातिक हो जाती सेमानको ये प्लाज्मा थेरापी गोटे भल उपादेय ट्रीटमेंट भाव बाहर यही चिकित्सार सुविधा आम राज्य उपलब्धि हेले रोगी मानकर सीरियस रोगी मानकर मृत्यु संख्या कमिजिव तेणु आम रोगी मानक एटा गोटे बड़ उपादेय। दिल्ली रे प्लाज्मा थेरापी सफल होइछि बोली दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गणमाध्यम आगे बारंबार प्रकाश करिछन्। दिल्ली रे मध्य प्लाज्मा बैंक प्रतिष्ठा करा जाइछि। ओडिसा रे गुरुतर कोरोना रोगी चिकित्सा लगी प्लाज्मा थेरापी सफल हेबा नै आशा प्रकाश करा जाउछि। भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन लक्ष्मीनारायण दुतिकृष्ण पहिंक रिपोर्ट न्यूज 7।